हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर। आज हम लोग बात करेंगे उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी की, एंड दैट इज आल्सो नोन एज एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। ये सारी चीज़ें जब आपको बात समझ में आ जाएगी कि डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो अगर हम इसकी बात करें बेसिक टर्मिनोलॉजी की कि डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे समझना शुरू करें, तो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी कह लीजिए इसको, या इसी को आप कह सकते हैं एलिमेंट्री एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है वो यही है कि डेटा को, जो भी डेटा है आपके पास, उसको डिफरेंट फॉर्म में आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक बात आती है, देखिए डेटा की, कि डेटा क्या है। तो सिंपली, डेटा आर सिंपल वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। तो कोई भी वैल्यूज है आपके पास या सेट ऑफ वैल्यूज है तो वो डेटा है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि किसे कुछ स्टूडेंट्स की या कुछ पर्सन की या कुछ लोगों की आपने एज का डेटा है आपके पास, मतलब से सपोज कीजिए किसी की एज जो है 21 है, किसी की 48 है, किसी की 552 है, किसी की से 9 ईयर्स है, किसी की 13 ईयर। सो ये क्या है, ये आपका डेटा है। ठीक, तो इसको सिंपली हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये डेटा आइटम रिफर्स टू ए सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज, टू ए सिंगल यूनिट ऑफ, तो ये तो सेट ऑफ वैल्यूज हुआ, और डेटा ये एक डेटा हो गया, ये एक डेटा हो गया, ये एक डेटा हो गया, और ये जो पूरा सेट है सेट ऑफ वैल्यूज ये हो गया। ठीक, डेटा आइटम्स दैट आर डिवाइडेड इंटू सब आइटम्स आर कॉल्ड ग्रुप आइटम्स। ठीक है, दोज दैट आर नॉट आर कॉल्ड एलिमेंट्री आइटम्स। तो डेटा आइटम्स को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं सब आइटम्स में, तो वो ग्रुप आइटम कहलाते हैं, अदरवाइज वो एलिमेंट्री आइटम कहलाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, नहीं अगर इसको नहीं क्लियर हुआ तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी एम्प्लॉय के लिए, अगर मान लीजिए हमने कहा एम्प्लॉय नेम, ऐसे आप देखिए एम्प्लॉय नेम, ये आपने एक डेटा बनाया। अब मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम जो है, तो उसमें नाम में तीन आइटम होते हैं आपको पता है, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, और फिर आपने कहा कि लास्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि यू नो दैट एम्प्लॉयज नेम कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री सब आइटम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, बट द सोशल सिक्योरिटी नंबर वुड नॉर्मली बी ट्रीटेड एज ए सिंगल आइटम। तो अब देखिए, ये जो एम्प्लॉय नेम है ये तो ग्रुप आइटम हुआ, क्यों? क्योंकि इसके ये तीन कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम से मिल के एम्प्लॉय नेम बन रहा है, तो दिस इज ए ग्रुप आइटम, दिस इज ए ग्रुप आइटम। बट अब मान लीजिए हमने कहा कि नहीं, दूसरी फील्ड हम लेते हैं एम्प्लॉय कोड, या एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर कह लीजिए, कोड कह लीजिए। ठीक, अब एम्प्लॉय कोड जो आएगा, सपोज कीजिए उसका कोड नंबर है से 372158, इस तरह से, तो इसमें ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि कई फील्ड से मिलके बना, ये पूरा एक ही एक फील्ड है। ठीक, तो इस तरह के आइटम्स को बोलते हैं सिंगल सिंगल आइटम। ठीक है, तो इस तरह के ये जो हो गया, ये आपका सिंगल आइटम हो गया और ये आपका ग्रुप आइटम हो गया। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब उसके बाद क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा आर फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइज इनटू अ हायरार्की ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब ये हुआ कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हुई वो तो हुई इसकी डेटा। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कई डेटा मिलके क्या बनाते हैं, ये हो गई आपकी एक फील्ड। ठीक, और कलेक्शन ऑफ या नंबर ऑफ फील्ड मिलके क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ फील्ड मिलके बनाएंगे रिकॉर्ड। ठीक, और कई रिकॉर्ड्स मिलके एक फाइल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, तो ये इनमें ये रिलेशन होता है, द स्मॉलेस्ट एंड द एलिमेंट्री यूनिट इज डेटा, कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डेटा मेक्स ए फील्ड, कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फील्ड मेक्स ए रिकॉर्ड, एंड कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स इज केप्ट इन टू ए फाइल। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि
अगर इसको मान लीजिए हम इसको और प्रिसाइज करना चाहें, अभी और एक्यूरेसी एग्जाम्पल तो आपको समझा ही देंगे लेकिन और एक्यूरेसी समझिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप सॉफ्टवेयर की लाइन में जाते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं किसी भी उससे, तो अगर आपको बेस क्लियर रहेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इसको अगर हम और प्रिसाइज करें तो सिंपली ये समझ लीजिए, इसमें आपको एक चीज और डिफाइन करनी पड़ेगी, एंटिटी। ठीक, एंटिटी क्या होता है? एन एंटिटी इज समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज विच मे बी असाइंड वैल्यूज। तो जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटी आदमी अभी आगे कई बार अब आएगा, ठीक है? तो एंटिटी का मतलब क्या होता है कि एंटिटी वो चीज है, इज समथिंग दैट हैड सर्टेन, उसमें एट्रीब्यूट होता है, दैट हैड सर्टेन एट्रीब्यूट्स, या एट्रीब्यूट्स को आप नॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज। तो कोई भी रियल वर्ल्ड आइटम जिसमें एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हो और जिसको हम वैल्यू असाइन कर सके वो एंटिटी कहलाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये बोलें कि द फॉलोइंग आर पॉसिबल एट्रीब्यूट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर एन एंटिटी। अब जैसे हमने एंटिटी क्या लिखा, हमने मान लीजिए लिखा यहाँ पे, हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको बाइफरकेट रहे ये। मान लीजिए हमने लिखा नेम, एक एंटिटी हमने ये कहा, दूसरा हमने कहा सपोज कीजिए एज, तीसरा हमने मान लीजिए उसको कहा कि सेक्स, और चौथा हमने कहा कि मान लीजिए उसका कोई भी आधार नंबर कह लीजिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर, चाहे जो कह लीजिए, ठीक। मान लीजिए हमने कहा कि से पैन नंबर, चलिए हमने कह दिया पैन नंबर, आजकल सब लोग जानते हैं, ठीक। अभी क्या होगा कि इसके जो किसी भी व्यक्ति कोई, ये है किसका, ये है किसी एक आदमी का, किसी एक पर्सन का, ठीक है ना? तो ये पर्सन क्या हुआ, ये तो हुआ एंटिटी, ऐसे आप समझिए, ये पर्सन हुआ एंटिटी। इसके एट्रीब्यूट्स क्या हुए, इस कैसे आप उस पर्सन को देख, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, तो एट्रीब्यूट्स हो गया नेम, एज, सेक्स और पैन नंबर, ठीक। और उसके बाद हमने कहा वैल्यूज, तो अब भाई कोई भी पर्सन है तो आप उसको कोई वैल्यू दे सकते हैं ना, तो वैल्यूज हमने आपको इसको कोई भी नाम दे दीजिए, से हमने कहा कि से कुछ भी, हमने कहा से एस के और हमने लिख दिया गुप्ता, ठीक है? ऐसे ये हाइपोथेटिकल नेम हमने लिखा है, तो ये उसका नाम हो गया। एज हमने कहा कि से फॉर एग्जांपल 45 इयर्स, ठीक। मेल है तो हमने लिख दिया मेल, और पैन नंबर सपोज कीजिए हमने कहा कि उसका जो है कुछ भी, हमने कहा ए बी सी डी 5320X, ठीक। तो ये पर्सन क्या हुआ, दिस पर्सन इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। इसके एट्रीब्यूट्स क्या हुए, कैसे क्या उसकी प्रॉपर्टीज हुई, तो नेम, एज, सेक्स, पैन नंबर, फोन नंबर, कुछ भी आप आगे लिख सकते हैं, ये सब एट्रीब्यूट्स हो गए। और इन एट्रीब्यूट्स को हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, ये वैल्यूज हो गए, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड सॉरी एंटिटी। अब इसमें क्या कह रहा है कि एंटिटीज विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स, अगर इसी तरह के एट्रीब्यूट्स हम और लें, मान लीजिए किसी एक ये एम्प्लॉई का एट्रीब्यूट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो अगर हम सारे एम्प्लॉइज का ये इकट्ठा करें हम डिटेल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटिटी सेट। ये तो एक सिंगल एंटिटी का हुआ, अगर इसमें हम और लोगों की भी डिटेल अपने पास कलेक्ट करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारे पास एंटिटी सेट, ये पूरा एक हो जाएगा एंटिटी सेट, ठीक है? तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसमें क्या होता है कि ईच एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी सेट हैज ए रेंज ऑफ वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट कुड बी असाइन टू द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। तो एंटिटी का हर एक एट्रीब्यूट जो है, ठीक है, वो उसका एक सेट ऑफ वैल्यूज होती है और उन एट्रीब्यूट्स को वही सेट ऑफ वैल्यूज असाइन की जाती है, ठीक। अब इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर में आपको एक टर्म आगे और कई बार आपको यूज करने को मिलेगी, वो यूज करने को मिलेगी आपको क्या, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन में क्या है कि
कि द टर्म इंफॉर्मेशन इज समटाइम यूज फॉर डेटा विद गिवेन एट्रीब्यूट्स और इन अदर वर्ड यू कैन से मीनिंगफुल और प्रोसेस डाटा। मतलब देखिए, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन वो डाटा है जिसका जिसकी कोई मी जिसके एट्रीब्यूट्स हमें मालूम है, विद नोन एट्रीब्यूट्स। डेटा विद नोन एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, या इसको आप दूसरे ढंग से डेटा विद नोन एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और यू कैन से जो प्रोसेस डाटा होते हैं उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और यू कैन से जो मीनिंगफुल डाटा होते हैं, जिस डाटा की कोई मीनिंग होती है, वो ऑल दीज आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा विद नोन एट्रीब्यूट्स दैट इज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा इज इंफॉर्मेशन, एंड मीनिंगफुल डाटा इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से जो आपको बेसिक चीजें बताई, डेटा, एंटिटी, एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स, फील्ड, रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें आप एकदम शुरुआत से क्लियर रखिए, ताकि आपको आगे डेटा स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। यही सब इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अब इसमें बात आती है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आप कहेंगे सर डेटा डेटा आपने पढ़ा दिया, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, तो सिंपली यू कैन से कि द वे दैट डेटा आर ऑर्गेनाइज इन टू हायरार्की ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट एंटिटीज एंड एंटिटी सेट्स। दैट इज, ए फील्ड इज ए सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। ए रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड एंड ए फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो ये हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना, कि अभी आपको हमने पिछले वाले स्लाइड में ये बताया था कि डाटा इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड फील्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक्स ए रिकॉर्ड, एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मेक्स ए फाइल। तो ये बेसिक चीज आप याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ईच रिकॉर्ड इन ए फाइल में कंटेन मेनी फील्ड आइटम। ठीक है, एक फाइल में जो रिकॉर्ड होता है, ईच रिकॉर्ड इन ए फाइल में कंटेन मेनी फील्ड आइटम, बट द वैल्यू इन ए सर्टेन फील्ड में यूनिकली डिटरमाइन द रिकॉर्ड इन द फाइल। सच ए फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है, मतलब क्या होता है? देखिए ये क्या कह रहा है कि रिकॉर्ड, तो सपोज कीजिए हमने कहा कि एक हमारे पास से स्टूडेंट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐसे समझ लीजिए आप। अब उसमें हमारे पास क्या क्या है? मान लीजिए हमने कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर हमने कहा नेम है, फादर्स नेम है, एज है, क्लास है, सेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ है, एंड ये सारी फील्ड्स हैं। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो देखिए बाकी चीजें तो किन्हीं दो स्टूडेंट्स की सिमिलर हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का यूनिक ही होगा। तो ये जो यूनिक फील्ड होती है विच कैन नॉट बी सिमिलर टू एनीवन एल्स इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो इससे फायदा रहता है, इस प्राइमरी की मदद से उस स्टूडेंट के कंप्लीट रिकॉर्ड को हम तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की। अब इसको आप बेसिक, पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर का आज आपको समझा दिया है कि फील्ड, रिकॉर्ड, ब्लॉक, ये सारी चीजें क्या होती हैं। इसको आप जो है आज स्टडी कीजिएगा। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वी विल स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।